नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कौन सी चौकी दिखा रहा, क्या दिखा रहा, दिखा दुकान पे जाने का नहीं, गली जाने का, आके टोकर ले लेगा। तुम्हारे बाप का पैसा क्या ये सर? है तुम्हारे बाप का पैसा क्या ये सर? तुम्हारे बाप का पैसा क्या? तुम्हारे बाप का पैसा क्या? ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस को धमकी देने के जुर्म में पति पत्नी हुई गिरफ्तार। आज दिन में सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति पत्नी ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस को न सिर्फ गाली दे रहे हैं, बल्कि वर्दी उतारने पर मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यह वायरल हुई घटना मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में आने वाले काशी मीरा अंतर्गत की है, जहाँ रोड पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की बदसलूकी किया जाना सामने आया है। इस बदसलूकी के बाद पुलिस ने दंपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पति पत्नी दोनों पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरा मामला, जिसमें वायरल वीडियो एवं गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। जो मन में आया रोड पे करने का, तुम लोग गाड़ी में लस्सी डाल रहा है। इधर ये भट्टी दिखा, तेरे को भी बता दूं मैं, इधर ही ना तेरे को उतार दे, पांच बार तेरे को दिया तुम्हें, इधर इधर ही बार हुआ तेरे को, उतार ना ये, अरे उतार ना, उतार ना, अरे तू उतार तो पांच मिनट बना ले वीडियो, तेरे को मैं बताता हूँ, बना ले, तेरे को वर्दी का चलेगा, वर्दी का तू कहने वर्दी उतारो, फिर बताता, अरे चीज हुआ बीच में से गाड़ी का फोटो मारे, मार ले, उखाड़ ले, चल पब्लिक का परेशान करने के लिए भैंसर आ जाएंगे, उठा उठा के इधर ही लगाने का, उधर ही लगाने का, लगाने का किधर लगा बता ना मेरे को, अभी ये दुकान है, क्या ले लो मैं गाड़ी, अरे ये दुकान है, किधर ले लो गाड़ी, ले ले, अरे गाड़ी किधर लगा वो बता मेरे को, किधर लगाने का, किधर लगाने का, किधर लगाने का, मरिया छोड़ दीजा तुम लोग की, अरे सरकार बिगड़ तुम लोग बिगड़ सब बिगड़, जूता मिला क्लास वालों को, तुम लोग सामने आया वीडियो का, जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी के साथ में बहस करते हुए वीडियो सामने आया, क्या है पूरा मामला? मीरा भाईंदर शहर में अनाधिकृत पार्किंग की समस्या ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमने पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन किए हैं। तो एक जगह नो पार्किंग का बोर्ड था, उसके बाजू में एक कार खड़ी थी, उस कार पर वाहतूक पुलिस ने जामर लगाया, और जामर लगाने के बाद जो कार ड्राइवर उधर वहाँ आया, और फिर वाहतूक पुलिस से झगड़ा करने लगा और गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया, इसके वजह से वो बहुत संतप्त था और पुलिस के ऊपर मिसबिहेव किया, और पुलिस ने गुना दाखिल किया उसके ऊपर, दो लोगों को अरेस्ट किया है। सर, जिस तरह से जो गाली गलौज का वीडियो वायरल आया है, और पुलिस ने उस पर किस तरह के मामले दर्ज किए हैं? सरकारी काम में रुकावट डालना, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? नया नगर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, एक आरोपी को अरेस्ट किया था, आज दोनों आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट में भेजेंगे।
सर किस तरह का मामला अब सख्त होने लगी है पुलिस प्रशासन? हाँ, तो इसमें अभी हम लोग कोविड के वक्त में हम लोग थोड़े से लीलियंस से काम कर रहे थे, लोगों को ज़्यादा समझ के ले रहे थे और लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके तरह से काम करते थे। जब भी रास्ते पे कोई वाहन चालक नियम तोड़ते थे हम लोग सिर्फ फोटो लेते थे, उसको फाइल लेने की जबरदस्ती नहीं करते थे, कोर्ट में नहीं भेजते थे। अभी एक डेढ़ साल हुआ है कोविड का और लोग ज़्यादातर से वाहतूक के नियम तोड़ रहे और लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि सब वाहन चालक डिसिप्लिन से गाड़ी चलाए, अपने मीरा भाईंदर शहर में एक भी अपघात ना हुए और आप सुनिश्चित तरीके से सुस्थिति से अपने घर जाए, अपने डेस्टिनेशन पर जाए। इसके लिए हम लोग ट्रैफिक के नियम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं और जो भी नियम तोड़ेंगे उनको हम लोग सिर्फ फोटो लेके कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको जगह पे फाइन भरने के लिए बोलेंगे और नहीं भर रहा है तो उसको कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन बार बार गुनाह करके जो भी आदमी गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर हम लोग लाइसेंस सस्पेंड का कार्रवाई करेंगे। सर उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जो लोग ऑन ड्यूटी पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं हम लोग उनको आह्वान करते हैं कि आप लोग कानून से रहे, जो भी कानून नहीं रहे, जो कानून तोड़ रहा है, आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत से कार्रवाई हो रही है तो आपको अधिकार है, आप उसके सीनियर को बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं, जो भी सच है उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन आप कानून हाथ में लेके पुलिस के साथ बदतमीजी करोगे, उसके ऊपर धक्का पुक्की करोगे तो हम लोग आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसको सख्त से सख्त कड़क कार्रवाई करेंगे और दोबारा यह हादसा ना हो इसके लिए एक सबक सिखाएंगे लोगों को। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।